आज जिला महिला चिकित्सालय में टीका महोत्सव मनाया जाएगा, जो कि 11 तारीख को हमारे माननीय ज्योतिबा फूले जी का जन्मदिन है और 14 अप्रैल को संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म दिवस है, तो उसी की तैयारी चल रही है। ये कैंची है, इससे जो है फीता काटा जाएगा। ये है तो भाई राजपत्रीय अधिकारी वित्तीय श्रेणी के, लेकिन क्या करें, सारे काम करने पड़ते हैं, अपने आप ही देखना पड़ता है। अब ये प्लेट ले लिए और फीता नहीं मिल रहा है, तो फीते के लिए मैंने भेजा हुआ है किसी को, फीता आ जाएगा तो फिर काम करेंगे। अभी ये फीता जरा सा है, ये वहाँ तो काफ़ी बड़ा फीता चाहिए, छोटा सा फीता इससे क्या होगा। ठीक है, करते हैं, देखो लाते हैं फिर फीता। प्लेट हो गई, हो गया, प्लेट तैयार हो गई। ये कैंची, कैंची तैयार हो गई, कैंची भी सही है। ठीक है, और देखते हैं क्या तैयारी हो रही है, मैडम भी लगी हुई हैं तैयारी करने पे। तो फूल है, क्या लिखा है इसपे, लिखा बूथ उद्घाटन टीकाकरण टीका उत्सव, तो यहीं लगवा दिया है फिर ऊपर ही है डॉक्टर साहब। ये तो परमानेंट वाला है, कहाँ लगवाया जाए, इधर लगा लो, सामने दिखना चाहिए, इधर लगा लो सामने, क्योंकि मेन गेट पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। ठीक है, इधर लगवा लो, है कुछ है लगाने लायो, ये वाला नहीं, ना ये तो परमानेंट रहेगा, यहाँ लग जाएगा उसमें क्या। ठीक है, हाँ इस पे लगा दो, इस जगह पे लगाओ, हाँ यहाँ लगा लो, हाँ दो बूंद जिंदगी का कोई नहीं है, ये लगा दो। ठीक है, बूथ तो ऊपर रहेगा, बना बनाया सेटअप है, क्यों डॉक्टर साहब, ऊपर बना बनाया सेटअप है, हाँ फिर बेकार, टेबल सब लगी हुई पहले से लगी हुई है, समझ रहे मेरी बात को, पूरी व्यवस्था तैयार है हमारा बूथ, देखो रिबन भी तैयार है, अब बस मंत्री जी के आने की देर है, मंत्री कमी काय की यार, और काय कमी है, कौन आए, सीएम साहब आ गए, लगाओ ये फटाफट लगा दो, ये सब नमस्ते, हमने पूछा तो ये बताया कि टीकाकरण संडे को होगा, जब हमने पूछा तो सब बताया है। मैडम ये चालू है, मैडम अपनी बोली उठा लो, सब तैयारी चल रही है और ये लग चुका है, आपका फोटो आएगा साहब चैनल पे, हाँ नहीं नहीं तो तीन बार ही आ चुके। माननीय मंत्री जी का आगमन हो गया और माननीय संतोष गंगवार जी, श्रम एवं रोजगार मंत्री जी का आगमन हो गया और ये प्लेट वगैरह तैयार है सब। मंत्री जी का स्वागत किया जा रहा है, अरे हाँ सर, लेकिन मंत्री जी अभी रिबन नहीं काटेंगे और माननीय विधायक साहब विधायक डॉक्टर अरुण कुमार का भी इंतजार है, अरुण जी कहाँ है यार, क्योंकि उनको बुलाया गया था, आपसे बात करने हैं रविदा, या माननीय मंत्री जी ने शहर विधायक जी को फोन किया, इधर आए अंदर और फोन लगाया उनको, इधर आओ इधर,
इसे पकड़ो कुछ ना। इधर आओ ना। काय कुले गए। इसे पकड़ खड़ी हो जा। कैसी थी ना? कौन से थाने में? किधर? आप अंदर आ जी। बालक का नाम क्या है? वैक्सीनेशन है। मैं बात कर रहा। नीचे से कहाँ है? नमस्कार। मुन्नू को भेजते हैं आपके यहाँ? अच्छा मुन्नू ने तारीफ दी। ये अपना हाल लेके था। शहर विधायक डॉक्टर अरुण कुमार जी का भी आगमन हो गया था। सभी लोग इकट्ठे हो गए और बूथ उद्घाटन की तैयारियां शुरू हो गई और सभी लोग बूथ की ओर बढ़ते हुए रिबन काटने के लिए तैयार। इस मौके पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी बरेली डॉक्टर एस के गर्ग, PDSIC डॉक्टर सुबोध कुमार और CMS महिला डॉक्टर अलका शर्मा और डॉक्टर आर.एन. सिंह डिप्टी ACMO इम्यूनाइजेशन और अन्य अधिकारी सुपरिटेंडेंट महिला चिकित्सालय डॉक्टर यशवंत सिंह और सभी लोग पीछे जाते हुए बूथ की तरफ पहुंचते हुए छः से आठ हफ्ते के रैंप के सहारे ऊपर बूथ की ओर जा रहे हुए। दो मंजिले बूथ था और सबसे पहले रजिस्ट्रेशन काउंटर पहुँचे, उसके बाद रजिस्ट्रेशन काउंटर पर आवश्यक जानकारी दी। उसके बाद जहाँ टीकाकरण हो रहा था वहाँ पर पहुँचे, NMS वगैरह अपनी जानकारी दी और जो लाभार्थी थे टीकाकरण उनको टीका लगवा कर उद्घाटन किया गया। थैंक यू डॉक्टर एस के कर संतोष गंगवाल जी और डॉक्टर अरुण कुमार। थैंक यू। ठीक है। PPC की NMS थी यहाँ पर और एक महिला को टीकाकरण किया जा रहा था कोविड का, इसका उद्घाटन किया जा रहा था। माननीय शहर विधायक डॉक्टर अरुण कुमार और माननीय संतोष गंगवार जी, श्रम एवं रोजगार मंत्री ये हमारे महिला को टीका लगाया गया। विधायक जी के साथ
कुमार, इसके बाद प्रेस में संतोष अनवर जी द्वारा संवाद किया गया और बाइट ली गई उनकी। इसको इस्तीफा करने की आवश्यकता है और हम जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी इसमें रुचि ले रहे हैं और जो उन्होंने शब्दावली का प्रयोग कराया कि जान है तो जहान है और आज इसकी आवश्यकता है। सारे देशवासी जो भी अपने आप को जिनकी एक निश्चित आयु हो गई है वो इस काम में अपने आप को जोड़े, सहयोग करें और आज से जो प्रक्रिया शुरू हो रही है हम उसका सहयोग और समर्थन करें। चलिए उद्घाटन हो गया, अब उद्घाटन के बाद जरा देखें। आज संडे था, गाड़ी में कुछ काम कराना था, बैटरी वगैरह का काम, और आवाज़ भी आ रही थी साइलेंसर से, वो भी कराना है। गाड़ी खड़ी है तो अब चलते हैं। गाड़ी पटपट की आवाज़ कर रही है। साइलेंसर इसका आवाज कर रहा है और बैटरी कोई डाउन सी लग रही है, देखते हैं आज क्या क्या हो जाता है। देखिए अजीब सी आवाज आ रही है, चलते हैं दुकान पे जरा। सामने हनुमान मंदिर आ गया, ये प्रसाद टाकी है। ये पटेल चौक है, पटेल चौक से कलतम इधर कलतम क्या है, इधर मैकेनिक की है, सारे मैकेनिक होते हैं।
मिलते हैं, अभी पुल के ऊपर से गुजर रहे हैं। मिलते हैं आपसे बाद में अगले नई वीडियो में, तब तक के लिए आप इजाजत दें, धन्यवाद, नमस्कार।